हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपको बीएड के वाइवा के लिए प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हूँ इन वीडियोस की हेल्प से, और अभी तक मैंने इसकी 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर दी हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का आगे पार्ट हम कॉन्टिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस से अपने वाइवा को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ रीडिंग। देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में ना मैंने आपको टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स पढ़ाया था, जिसमें कि हमारे पास 4 टाइप्स मैंने आपको बताए। फर्स्ट वन इज़ स्कीमिंग, सेकेंड स्कैनिंग, थर्ड एक्सटेंसिव एंड फोर्थ वन इज़ इंटेंसिव। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ रीडिंग। जो रीडिंग है उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, आज हमारी वीडियो का ये टॉपिक है। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे इसके 3 स्टेजेस आते हैं, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एक तो हो गया प्री रीडिंग स्टेज, सेकेंड आता है वाइल रीडिंग स्टेज, और एक आता है पोस्ट रीडिंग स्टेज। पहले तो इसको थोड़ा मीनिंग में समझिए। पहला आता है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वाला जो स्टेज होता है, जिसमें कि आपकी प्रिपरेशन आती है। सेकंड आता है वाइल रीडिंग, जब आप पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ को। एंड थर्ड फेज आता है जब आप रीडिंग ख़त्म कर चुके होते हैं। सो देखिए, जो रीडिंग है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग जो है वो बहुत सारी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, बैकग्राउंड नॉलेज और वोकैबुलरी, ये सब चीज़ों को एनहेंस करने के लिए रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली किसी स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। और या फिर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कमांड चाहते हैं, तो उसका बेस्ट वे है और सिंपलेस्ट वे है कि आप उस लैंग्वेज की रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करें। क्योंकि जब आप उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की या उस लैंग्वेज की रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते हैं, तो वो वर्ड्स, वोकैबुलरी उसकी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती जाती है, और धीरे धीरे वो लैंग्वेज आपके, मींस कि उस लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होती चली जाती है। सो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास में रीडिंग के कुछ स्टेजेस आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका प्री रीडिंग स्टेज, सेकेंड आता है वाइल रीडिंग स्टेज, और थर्ड आता है आपका पोस्ट रीडिंग स्टेज। वन बाय वन एक एक को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो प्री रीडिंग स्टेज है या जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि ये ना स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं कि आप कौन सा टॉपिक या फिर रीड या क्या चीज़ आपको सुनना है, वो चीज़ को आप पहले से प्रिडिक्ट कर लें। ये जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या जो प्री रीडिंग स्टेज होता है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि एक स्टैब्लिश करना पर्पज़ फॉर रीडिंग, की जो रीडिंग है ना उसका मेनली पर्पज़ क्या है। दूसरा, जो वोकैबुलरी होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो भी आपका रीडिंग टास्क है, लाइक आपने कोई पैराग्राफ पढ़ना है तो उसे आप कंप्लीट कर पाएँ। जैसे कि मानिए आप कोई पैराग्राफ या बुक पढ़ने के लिए बैठे, और उस टाइम पे आपने देखा उसमें बहुत सारे ना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग ही आपको नहीं आता, तो उस टाइम पे ना आपकी जो रीडिंग है वो फ्रूटफुल नहीं होगी, और ना आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि आपने एक सेंटेंस पढ़ा जिसमें से 7 to 8 वर्ड्स। अब उस पैराग्राफ में 10 वर्ड्स में से 7 to 8 अगर आपको आते ही नहीं होंगे, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें से हट जाएगा, आपका मन नहीं करेगा चीज़ों को पढ़ने का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मूवी है, वेब सीरीज़ है, या कुछ भी डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है या वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ ख़त्म हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप ना अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे और उस चीज़ को आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो जो प्री रीडिंग स्टेज है ना, वो इस चीज़ के लिए आपके लिए फ्रूटफुल होता है, या इस चीज़ में आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आप ना अपनी रीडिंग को कंटिन्यू कर पाएँ, आपका जो रीडिंग टास्क है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ, प्लस जो भी पैराग्राफ या टेक्स्ट आप पढ़ने वाले वो किससे रिलेटेड है, किस पे बेस्ड है, जिससे कि आप अपने माइंड को पहले से मेकअप कर पाएँ, ये चीज़ आती है आपके प्री रीडिंग टेक्स्ट के अंदर। सेकेंड हमारा जो एग्ज़ाम्पल आता है, जैसे इसमें आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी ध्यान रख सकते हैं, और वीडियोज़ हैं, ट्रू फॉल्स जैसे आपने पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ना मेनली ये ध्यान रखना है इसका मीनिंग क्या होता है, फिर आप जब मीनिंग समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्पल्स को भी रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाइल्ड रीडिंग स्टेज। अभी जो वाइल्ड रीडिंग स्टेज है ना, इसका मतलब क्या है कि ये उस एस्पेक्ट में होता है कि आप टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, आपका फोकस बिल्कुल भी उससे हटे ना, और जो टेक्स्ट आपको दे रखा है ना उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ।
जैसे कि कोई भी जो मेन आइडिया होता है या जो टॉपिक होता है सेंटेंस का, वो आपको पता चल जाए, जिससे क्या होता है कि आप ना हर एक पैराग्राफ को जिसमें आप याद रख पाते हैं। जैसे कई बार होता है कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, लास्ट तक आपको याद रहती है कि हाँ इस स्टेज पे ये पॉइंट था, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, और ऐसे आप लास्ट तक चीज़ों को इमेजिन भी करने लग जाते हैं कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। जैसे कोई मूवी है, उसमें जो सीन चल रहा है आप उससे ना बाद का सीन अपने आप ही ऑटोमेटिकली सोचने लग जाते हैं। तो यही चीज़ होती है वाइल्ड रीडिंग स्टेज के अंदर, जहाँ पे मेन आइडिया है या पैराग्राफ है या टॉपिक है सेंटेंस का, उसको आप आइडेंटिफाई करके और आप उसको कैच कर पाए, जिससे कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली उसमें क्या चीज़ चल रही है। और इसके अलावा वाइल्ड रीडिंग स्टेज के अंदर आप जो जर्नल और जो स्पेसिफिक आइडिया होता है उसके बीच में भी एक डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, उसको भी आप समझ पाते हैं। इसके अलावा जो लिंक आइडियाज़ होते हैं उसके ऊपर भी आप कनेक्टर्स कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, तो ये चीज़ें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वाइल्ड रीडिंग में याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कई बार होता है कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन आप उसको डीकोड कर लेते हैं या जो टेक्स्ट है उसको पढ़ते पढ़ते वो चीज़ आपको समझ आ जाती है, जो कि स्टार्टिंग में देखने में आपको समझ में नहीं आ रही होती है। तो ये चीज़ें आती है आपकी वाइल्ड रीडिंग स्टेज के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट रीडिंग। पोस्ट का मतलब हो गया बाद में, कि आपने जो पढ़ा उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या आपने उससे सीखा, वो चीज़ आपकी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी में आती है। पोस्ट रीडिंग मींस कि रीडिंग ख़त्म करने के बाद में आप एक क्रिएटिव डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक एक आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया जिसमें कि आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या पढ़ा, उसका क्या कॉन्क्लूजन निकाला, उससे क्या सीखने को आपको मिला। इसके अलावा जो क्लासमेट होते हैं उनको क्विज भी मिलती है। जैसे जो टीचर्स होते हैं क्लास में क्या करते हैं, वो आपको पैराग्राफ या टॉपिक या कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, ओवरऑल उसका कॉन्क्लूजन देके, और फिर लास्ट में ना आपसे क्वेश्चंस पुट कर लिए जाते हैं कि आपको कितना याद है, कितना आपने उस पैराग्राफ से या उस चीज़ों से सीखा, या फिर उससे रिलेटेड न्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो किस वैल्यू पे बेस्ड है, पैराग्राफ की थीम क्या है, ये सब चीज़ें आप जो हैं वो पोस्ट रीडिंग स्टेज के बाद में करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमारी स्टेजेस ऑफ रीडिंग थी। इसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ रीडिंग करवा चुकी हूँ, और इससे पहले वाली जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको लैंग्वेज क्या होता है, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ें मैं गाइज आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट फाइल का स्टार्ट करूँगी, जो कि हमारी सेकेंड फाइल होगी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।